रायपुर जिला प्रशासन को जिन्होंने हमें ये अवसर दिया और आप सबको भी कि आप इतने पेशेंस के साथ हमारे एक्सपीरियंस को इतने क्यूरियोसिटी से सुनने के लिए रेडी हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर अभी बात कर रहे थे अबाउट लोकेशनल डिसएडवांटेज, तो मेरे साथ ये था कि मैंने बक्सर में रहकर ही प्रिपेयर किया। अगर आप देखें तो बक्सर रायपुर से बहुत ही छोटी आबादी वाला शहर है, तो मुझे लोग कितना भी कहते जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की कि दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं होता, बट किसी और से सुनने पर उस बात पर उतना विश्वास नहीं होता जितना खुद करके ना देख लो। तो मैंने बाई डिफॉल्ट ही, क्योंकि कोरोना महामारी थी 2020 में, इस वजह से आई कुड नॉट गो टू दिल्ली, बट आई थिंक इट हैज़ बीन माई बिगेस्ट ब्लेसिंग सो फार। और आई वुड लाइक टू गिव 2 मिनट्स, इस बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्या वो फायदे होंगे अगर आप दिल्ली जाते हैं? पहला कि आपको रेडिली अवेलेबल कोचिंग्स मिलते, मटेरियल मिलता बहुत सारा, और एक जो हम कहते हैं कोलोकियल टर्म्स में इन्वायरमेंट या माहौल मिलता पढ़ने का, तो ये चीज़ें हमें यहाँ रायपुर में या मेरे शहर बक्सर में मुझे नहीं मिली। एंड बट आई टेल यू हाउ दिस विल प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग। टू मेनी मटीरियल्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन यूपीएससी, एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है हम लोगों के लिए, इन द नेचर ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम कोई नए नया मटीरियल तो मिस आउट नहीं कर रहे, हम दिल्ली में रह के कुछ नया ट्रेंड तो मिस आउट नहीं कर रहे, इसके चक्कर में हमारी पढ़ाई मिस आउट होती है। सो आई टेल यू हाउ वी कैन गेट ओवर दीज शॉर्ट कमिंग्स जो हमें यहाँ रह के हो सकती है। जो हमारा फियर है कि हमें मटीरियल कैसे पता चलेगा, देर आर लॉट ऑफ टेलीग्राम चैनल्स दैट अपलोड फ्री मटीरियल एंड यू कैन इजिली गेट एन एक्सेस टू। आई ऑल्सो शेयर सम लिंक्स विद सर, यू कैन शेयर इट विद यू, जहाँ से जो भी नया मटीरियल मार्केट में आता है दे अपलोड इट ऑन देयर चैनल्स एंड यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स और रिसोर्सेज होते हैं इट्स ईजिली अवेलेबल ऑन एमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। और एक जो माहौल की बात होती है कि एक फ्रेंड सर्कल नहीं है, आई थिंक इस पर ज़रूर वर्क करना चाहिए। यू शुड हैव सम फ्रेंड्स, सीनियर्स और पीयर्स इन योर कॉलेज एक्सेट्रा ऑनलाइन। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स और रिसोर्सेज होते हैं इट्स ईजिली अवेलेबल ऑन एमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। और एक जो माहौल की बात होती है कि एक फ्रेंड सर्कल नहीं है, आई थिंक इस पर ज़रूर वर्क करना चाहिए। यू शुड हैव सम फ्रेंड्स, सीनियर्स और पीयर्स इन योर कॉलेज एक्सेट्रा। अगर नहीं तो आप खुद दो चार ऑनलाइन फ्रेंड्स ढूंढ सकते हैं थ्रू टेलीग्राम एक्सेट्रा। आई थिंक हैविंग अ पीयर ग्रुप वॉज अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप एक एंड एक चीज़ और दिल्ली में जो अच्छी होती है वो है अच्छे लाइब्रेरीज। तो आई थिंक रायपुर हैज सम गुड लाइब्रेरीज, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। मेरे यहाँ तो एक अच्छी लाइब्रेरी भी नहीं थी, सो आई टर्न माई रूम इन टू अ लाइब्रेरी। दीज आर द ओनली बेयर मिनिमम थिंग्स, और सेटिस्फैक्शन विथ वॉट यू हैव, द बेयर मिनिमम रिसोर्सेज एंड बिलीविंग इन दैट कि मेरे पास जो है वो सफिशेंट है, वो सही है, एंड वर्किंग ऑन वॉट इज कंट्रोलेबल एंड नॉट कि ये छूट गया वो छूट गया, दैट विल हेल्प यू मोर आई थिंक इन दिस प्रेपरेशन। अब दी अदर एस्पेक्ट इज क्या, सो दिस वॉज वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम रायपुर और दिल्ली और फ्रॉम वेरेवर। द सेकेंड एस्पेक्ट इज हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। तो इसके लिए सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, सो आई जस्ट गिव माई इनपुट फॉर दैट। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड मुझे लगता है इस एग्जाम की सिर्फ तैयारी कर लेना ही आपस में एक बड़ी बात है। इवन इफ यू डू नॉट सक्सीड यू विल नेवर एंड अप रिग्रेटिंग दिस प्रिपरेशन। इस बार मुझे नहीं पता था कि मेरा एग्जामिनेशन क्लियर होगा या नहीं होगा, बट आई वॉज एटलीस्ट हैप्पी कि जो मेरा लेवल ऑफ नॉलेज या एक्सपोजर टू द वर्ल्ड है बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड। तो ये एक अच्छी बात है, आप खुद पे कॉन्फिडेंट पर्सन फील करते हो, अवेयर पर्सन फील करते हो। इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रिलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वन ऑफ देम बीइंग पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ लक्ष्मीकांत, बट ओनली अगर आपको डिफिकल्टी होती है लक्ष्मीकांत समझने में, आई वुड रिकमेंड 11th एंड 12th एनसीईआरटीज। एंड अगर आपका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है देन यू कैन स्किप दोज एनसीईआरटी। तो ये एक थंब रूल नहीं है कि हमें इस क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है, अपने बैकग्राउंड को एनालाइज करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग इन दैट सब्जेक्ट यू शुड सी, एंड देन हम देख सकते हैं कि हमें कौन से क्लास से एनसीईआरटी स्टार्ट करनी है। अगर 11th 12th में भी डिफिकल्टी होती है देन वी कैन गो बैक टू 8th 9th एंड 10th। देन द सेकेंड सब्जेक्ट वुड बी ज्योग्राफी। आई थिंक ज्योग्राफी समझने में मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, सो ज्योग्राफी हैज सम गुड मटीरियल। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 11th एंड 12th एनसीईआरटीज,
ऑल द ज्योग्राफी एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल जो रीसेंट प्रीलिम्स से पता चलता है कि मैपिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी न्यूज में इंटरनेशनल रिलेशंस आता है उससे रिलेटेड जो भी मैपिंग है यू शुड डू इट ऑन द सेम डे. एंड अ लॉट ऑफ मैगजीन्स ऑल्सो कवर, बट खुद से वो मैप एक्सरसाइज कर लेना इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू योर मेमोरी, तो आपको ज़्यादा देर तक वो याद रहता है. द थर्ड सब्जेक्ट इज हिस्ट्री. फॉर एंशियंट हिस्ट्री आई डिड आर एस शर्मा एनसीईआरटी, फॉर मिडिवल हिस्ट्री आई डिड सतीश चंद्र एनसीईआरटी, एंड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आई डिड द बुक स्पेक्ट्रम बाय राजीव बहिर सर. द नेक्स्ट सब्जेक्ट वुड बी साइंस. सो बीइंग फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में साइंस प्रिपेयर ही नहीं किया. आई थॉट इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन साइंस इन यूपीएससी प्रीलिम्स आर डिफरेंट. एंड आप उसको ब्रॉडली दो जॉनर्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो एक मेडिकल साइंस से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, एंड अदर इज कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज लाइक क्वांटम दैट आर इन द न्यूज. सो आई थिंक फॉर द बायोटेक पोर्शन आई डिड अ बुक एसेंशिया बाय यूनिक पब्लिकेशंस, एंड उसका सिर्फ बायोटेक पोर्शन आई डिड. एंड फॉर द कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज कीपिंग इन टच विद एनी करंट अफेयर मैगजीन वुड डू. वॉट एल्स, आई थिंक इकोनॉमिक्स इज वन मोर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट कवर्स 17 to 18 क्वेश्चंस. The most important is reading newspapers and economics, and I think most of the questions, 80 to 90%, current affairs se inspired hote hain economics mein. To aap shuru se hi newspaper padhna start kare, usme aap polity economy ke news par zyada focus kare, aur economy ke liye aap koi bhi ek standard material refer kar sakte hain. NCERT is also being one of them, but again this goes with the saying ki aap apna background analyze kare. Agar aap commerce background ya management background, maybe aapko 11th 12th NCERT ki zarurat na pade. These were the standard sources and where to prepare from. Aur sir was telling ki bahut personal chunautiyon ke baad bhi I did this exam. To the only thing that kept me going was I have a very strong single mother, and I always wanted to make her proud. So आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी हर कि वो एक प्राउड मदर बन के रहें, एंड नोबडी इज एबल टू एवर टेल हर कि उनकी परवरिश में कोई भी कमी रह गई बिकॉज शी वॉज अ सिंगल मदर. सो योर मोटिवेशन शुड बी क्लियर टू यू, और ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन पहले दिन था तो रोज रहेगा. इट विल गो डाउन, इट विल अगेन शूट अप. तो वो आपको अपने लिए छोटे छोटे इंसेंटिव्स रोज क्रिएट करने होंगे. लेट्स से कि इस हफ्ते के एंड का ये टारगेट है, और अगर मैं ये कर लूँ तो आई विल मे बी जस्ट गो आउट एंड हैव अ गुड प्लेट ऑफ फूड. इट कैन बी एज स्मॉल एज दैट, एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बड़े बड़े टिप्स पर ही जाओ, दैट इज ओनली मोटिवेशन. तो एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू मेक्स यू हैप्पी. थैंक यू.